बीच में रेड डॉट होता है वो कलर का कटिंग में लगा रही हूँ। ये करीब 9 प्लांट है। अब देखो 9 में से कितनी चलती हैं। आज 27 सितंबर है तो देखते हैं कितने कटिंग रेडी होती हैं, कटिंग से प्लांट तैयार होते नहीं होते हैं। वैसे मैं इसकी 2-3 कटिंग पहले भी लगा चुकी हूँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। अभी देखते हैं, आज लगाऊंगी फिर देखते हैं इनमें क्या ग्रोथ होती है। मैंने ये सारा इंतज़ाम कर लिया है, ट्रे मैंने तैयार कर ली है अच्छे से फंगीसाइड वगैरह डाल के, और ये एलोवेरा रूटिंग हार्मोन की तरह काम करेगा तो ये मैं लेकर आई हूँ। अब देखते हैं ये कितने दिन में सर्वाइव करती है। तो अगर आपको अभी कटिंग लगानी है तो लगा सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर वेदर बहुत अच्छा रहेगा, मौसम बहुत अच्छा रहेगा, फिर नवंबर के बाद में फिर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर नहीं लगेंगे। उधर आप अगर उस टाइम पे लगाते हैं तो फरवरी तक तो मौसम ठीक रहता है, फरवरी मार्च फिर अप्रैल मई जून एकदम बहुत तेज़ गर्मी होती है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं हिबिस्किस। पर अभी आप लगा दोगे तो अक्टूबर नवंबर में अच्छे से चल जाएंगे। फिर इसे आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ धूप ना आती, जहाँ धूप खूब अच्छे से मिले जैसे नवंबर के बाद में, तो ये आराम से ये चल जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा।